हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईवी क्लास। आज जो मैं न्यूमेरिकल लेके आया हूँ डिजाइन ऑफ की पर, इससे पहले मैं एक न्यूमेरिकल डाल चुका हूँ की पे समथिंग। मैं दो तीन वीडियो डाल चुका हूँ, इसमें एक में की और की पे क्या होता है ये समझाया, दूसरे में टाइप्स ऑफ की और एक में डिजाइन ऑफ की के जो फॉर्मूले मैं आज यूज करूंगा उसको कैसे अपन मतलब डाइव करते हैं, कैसे अपन ने फॉर्मूले बनाए हुए हैं ये मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। और एक न्यूमेरिकल भी डाल चुका हूँ मैं, अलग अलग टाइप से न्यूमेरिकल बता रहा हूँ इसमें, जिससे कि जिस टाइप से न्यूमेरिकल आते हैं वो आप कर सकें। आप जो हमारा जितने भी वीडियो डाले उसकी जो लिंक चाहिए आपको, तो हमारा जो देखेंगे जो टॉपिक डाला होगा न्यूमेरिकल ऑन डिजाइन ऑफ की, उसके राइट साइड देखेंगे तो वहां पर एक उल्टा एरो बना होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे साइड जाएंगे तो अलग अलग सब्जेक्ट के नाम से नाम लिखे हुए हैं, उसके साथ हमने एक लिंक दी गई है, उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट जा सकते हैं, या हमारे होम पेज पे जो प्लेलिस्ट रहती है वीडियो के जस्ट बगल में लिखा रहता है, वहां पर क्लिक करेंगे तो अलग अलग सब्जेक्ट के नाम से प्लेलिस्ट खुल जाएगी, वहां पर भी जाके आप देख सकते हैं। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना, जिससे कि आने वाले जो हमारे वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल पढ़ के सुना देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसा कि देख रहे हैं लिखा हुआ है, कैलकुलेट डायमेंशन ऑफ फ्लैट रेक्टेंगुलर की। रेक्टेंगुलर की को डिजाइन करना थोड़ा सा, ट्रांसमिट इतने इतने न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर किसकी यूनिट रहती है? एक टॉर्क की यूनिट रहती है, मतलब टॉर्क दिया इतना टॉर्क। शाफ्ट डायमीटर 80 mm दिया है। टेक सियर स्ट्रेस, सियर स्ट्रेस को हम टाउ से डिनोटेट करते हैं एफ सी, कई बुकों में एफ एस लिखा रहा है तो उसको कंफ्यूज ना हो, हम टाउ से डिनोटेट करते हैं, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा ब्रैकेट में लिख दिया टाउ, 50 न्यूटन पर एमएस। एंड क्रशिंग स्ट्रेस को हम एफ सी लिखा होगा कई बुकों में, लेकिन हम सिग्मा सी से डिनोटेट करते हैं इसलिए सिग्मा सी लिखा, इक्वल टू 80 न्यूटन पर एमएस। सबसे पहले हम समझते हैं रेक्टेंगुलर की क्या होती है, या फिर जो डाटा गिवन है उसको भी लिख सकते हैं। डाटा के बारे में डायमीटर ऑफ द शाफ्ट दिया, डी स्मॉल डी से डिनोटेट करते हैं, 80 mm जो कि यहां पर गिवन है। इसका टॉर्क दिया यहां पर देखा न्यूटन, अब एमएम में तो हम जो टॉर्क दिया है न्यूटन मीटर, इसको भी हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? न्यूटन एमएम में। तो इसमें न्यूटन एमएम के लिए क्या करना है हमें, 10³ का मल्टी, क्योंकि मीटर को हमें एमएम में बदलने के लिए हमें 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसमें हमने क्या किया न्यूटन एमएम में बदल दिया, 1000 का मल्टीप्लाई कर, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 × 10⁸ न्यूटन एमएम आ जाएगा। अब यहाँ पर सीयर स्ट्रेस दिया है 50 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर और क्रशिंग स्ट्रेस दिया है 80 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। सबसे पहले हम की को देख लेते हैं, की कैसी होती है उसका डायग्राम बना समझा देता हूँ, इसके बाद आपको इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि डायग्राम बनाने से नंबर भी अच्छे मिलते हैं। तो आप ऐसा एक ऐसी की बनाए रेक्टेंगुलर, क्योंकि रेक्टेंगुलर की क्या रहता है, इसका आधा पार्ट हाफ के अंदर रहता है, आधा पार्ट शाफ्ट के अंदर रहता है, ठीक है। यहां से इस आधे आधे पार्ट से इस तरह की क्या बनाएंगे, शाफ्ट, ऊपर से एक और सर्किल घुमा देंगे, वो किसका सर्किल हो जाएगा, हाफ का। अच्छा सा आप एक सर्किल बनाए और इसके पार्ट को क्या करेंगे आप, हैचिंग कर देंगे इस तरह। ये क्या होती है जो ऊपर दिख रही है आपको, ये होती है की, इस तरह आप हैचिंग कर देंगे, ये समझ में आ जाएगा की क्या है। अब इसकी जो हमारी ये रहती है, ये क्या रहती है, इसकी थिकनेस रहती है, कौन सी, ए ए, ये जो क्या रहती है इसकी विड्थ रहती है, या इसको ऊपर भी शो करा सकते हैं आप, जैसा भी शो कराना चाहिए अपने आप, डायग्राम मैंने आपके हाथ में मैंने बनाना सिखा दिया आपको। यहाँ पर मूव होती है इस तरह साफ्ट, ठीक है, इस ये रहती की। अब इसको मैं थ्री डायग्राम से एक बार और बताता हूँ, इसको कोशिश करता हूँ बताने की, थ्री डायमेंशन डायग्राम इस तरह की कुछ की होती है, इस तरह की होती है। अब इसको हमें क्या करते हैं, ये क्या रहती है इसकी थिकनेस रहती है, ये क्या रहती है इसकी विड्थ रहती है, ये क्या रहती है लेंथ रहती है। तो हमें किसी की को डिजाइन करने के लिए हमें विड्थ की जरूरत पड़ती है, थिकनेस की जरूरत पड़ती है और लेंथ की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब इसमें दो टाइप की स्ट्रेस डेवलप होती है, एक सियर स्ट्रेस एक क्रशिंग स्ट्रेस। सियर स्ट्रेस क्या होता है, इसमें दो टेंसाइल फोर्स लगते हैं यहां पर ऐसे, क्योंकि ये मूव हो रही है, यहां पर फिक्स है, शाफ्ट मूव हो रही है इस तरह है, और ये हमारा हब मूव हो रहा है,
इस तरह यहाँ पर एक इसमें टेंसाइल फोर्स जनरेट होता है और एक यहाँ पर टेंसाइल, इस तरह दोनों तरफ से, क्योंकि ये दोनों पार्टों के बीच में फंसी हुई रहती है। इसके कारण क्या शेयरिंग होने के चांस रहते हैं, तो एक शेयरिंग फेलर अपन को फाइंड आउट करना पड़ता है, शेयरिंग फेलर के ऊपर इसको डिजाइन करना पड़ता है। दूसरा क्या रहता है, अब ये दोनों मैटर होते हैं, ये अंदर इनसाइड रहती है, जो इस पार्ट रहता है और इसके अंदर क्या होता है, रबिंग होता है, मतलब दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। तो अगर कोई मटेरियल वीक है या उसमें फेलर चांस है तो क्या होते हैं, हमारे पाउडर के रूप में झड़ने लगते हैं, तो वहां पर फेल होने के चांस रहते हैं। तो वहां पर क्रशिंग स्ट्रेस, जो क्रशिंग फेलर को निकालते हैं, तो हम क्या करना है इसमें फाइंड आउट जो करना है वो टॉर्क। अब यहाँ पर टॉर्क दिया है, तो टॉर्क का फॉर्मूला हमने जो कि ऑलरेडी पिछला वीडियो डिजाइन ऑफ की के नाम से वीडियो डाला, उसमें जरूर देखना कैसे फॉर्मूला जनरेट किए, उसको निकालेंगे। तो हमने जो यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है टॉर्क के, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिए मैंने, जैसे आप याद नहीं है अगर आपको, तो यहाँ पर लिखा है टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क ट्रांसमिटेड ऑफ द की और टॉर्क ट्रांसमिटेड ऑफ द शाफ्ट। टॉर्क ट्रांसमिटेड ऑफ द टी टी इज इक्वल टू टाउ इनटू एल इनटू डब्ल्यू इनटू डी बाय टू। अब टी इज इक्वल टू, यहाँ पर आज इस बार गिवन है क्या दिया है, जो दिया हुआ है इसको यहाँ डायरेक्ट पुट कर देंगे। टाउ इज इक्वल टू भी दिया है, ये देखिए इसको भी डायरेक्ट पुट कर देंगे। एल इजकल टू नहीं दिया है, डब्ल्यू इजकल टू भी नहीं दिया, और डी इजकल टू हमारा दिया 88। तो हम जानते हैं डिजाइन बुक का यूज करते हैं जो कि एग्जाम में अलाउड रहती है, उससे हम जो जो हमारा डी रहता है इसके बेस पे हम डब्ल्यू की और टी की वैल्यू निकालते हैं। तो हम दिखाते हैं आपको डिजाइन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डिजाइन डाटा से टी की और डब्ल्यू की वैल्यू। डिजाइन डाटा से मैं डायरेक्ट टेबल उठा के लाया हूँ, टेबल से आप देख लें हमारी जो वैल्यू समझते हैं वो 80 के आसपास है, 80 के जो आसपास रहती है उसी वैल्यू को हम कंसीडर करते हैं। जैसे 80 के आसपास तो 85 तक कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि डिजाइन वैल्यू थोड़ी आसपास लेके चलते हैं। तो इसकी जो विड्थ देखेंगे, यहाँ पर W इक्वल 25 दिया, और देखें आप W इक्वल टू कितना दिया, 25 जो यहाँ पर दिया है, और थिकनेस T इक्वल टू दिया है 14 ना 14 दिया, दोनों mm में दिया, W इक्वल टू 25 और थिकनेस 14 दिया। इस वैल्यू को हम डायरेक्ट वहां पर लिख लेंगे और इसको यूज करेंगे फॉर्मूले में डायरेक्ट। तो जहां पर गिवन है वहीं पर लिख लेते हैं, क्या होगा हमारा, जो हमारा हमने दो वैल्यू निकाली, एक W इक्वल टू कितना देखा था मैंने 25 mm, ऐसी डायरेक्ट आप जहां पर गिवन डाटा लिखते हैं वहां पर डायरेक्ट लिख लें mm, जो यूनिट है वो भी लिखे आप। T इक्वल टू जो निकाला है मैंने कितना निकाला था, कहां से निकाला है, डिजाइन डाटा बुक से, 14 mm 14 mm। बस अब आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा कि हमने बताया सबसे पहले टॉर्क दिया है, इस फॉर्मूला को यूज कर रहा है, डायरेक्ट गुड बैड वैल्यू पुट करके हम देख रहे हैं टी इक्वल टू क्या दिया, 1 × 10⁸ इक्वल टू, टाउ की वैल्यू पुट करते हैं इक्वल टू में 15 दिया है, 50 × W वैल्यू यहां पर निकालिए 25 इंटू, डी की वैल्यू कितनी दी हमारी, 18 दी है, फॉर्मूले में। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम, तो यहां पर क्या होगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम कैसे कर सकते हैं, अब हमें इंटू इसमें क्या है एक L भी रह गया, तो यहाँ पर हम इंटू कर देते हैं L, क्योंकि L यहाँ निकालना है उसकी वैल्यू नहीं दी। तो L इक्वल टू हम जब लिखेंगे तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर की वैल्यू है जैसी की तैसी रहेगी, 1 × 10⁸ इंटू, जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो ऊपर पहुंच जाती थी, इंटू हो जाएगा 2, ऊपर जो L के इंटू में जितनी वैल्यू वो सब किसी आ जाएगी नीचे आ जाएगी, कितना आ जाएगा 50 × 25 × 80। इसको कैलकुलेट करेंगे तो समथिंग कितना आएगा, 2000 mm, आप कैलकुलेट कर लें, अगर वैल्यू गलत हो मेरी तो कोई ऐसा आप गलत ना सोचें, आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, जो भी सही वैल्यू वही लिखें, क्योंकि हमारा काम है प्रोसीजर बताना। तो एल इजकल टू हमारा ए आया, अब ए आया हमारा अंडर शेयरिंग फेलर, अब अंडर क्रशिंग फेलर देखेंगे, दोनों में जिसमें भी एल की वैल्यू ज्यादा होगी उसको अपन कंसिडर कर लेंगे। तो अंडर क्रशिंग फेलर में देखेंगे, जो हमने फॉर्मूला जनरेट किया था कैसे निकला ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, जो हमारा वीडियो डाला है डिजाइन ऑफ की के नाम से उसको जरूर देख लें।
सिग्मा सी क्रशिंग स्ट्रेस होता है, एल इंटू लेंथ होती है, टी थिकनेस होती है, डी डायमीटर। टी हम निकाल चुके 14 है यहाँ पर, सिग्मा सी जो ऑलरेडी दिया 18, तो डी इज इक्वल टू 18, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। और टाउ इज इक्वल टू दिया 1 × 10⁻¹, तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर और तो डायरेक्ट निकालते हैं टी की जो वैल्यू दिया, देख रहे हैं आप टी की वैल्यू कितनी दी, 1 × 10⁻¹¹, 1 × 10⁻¹⁸ इक्वल टू सिग्मा सी दिया 80 एल, हमें कैलकुलेट करना है टी की वैल्यू, हमने यहां पर निकाली हुई डिजाइन डाटा बुक से, अभी आपको बताई हुई थी कैसे निकालते हैं, बटे इनटू डी की दिया 80 दिया हो, यहां पर क्वेश्चन में दिया है एल की वैल्यू निकालो, तो एल इज इक्वल टू हो जाएगा सबसे इक्वल टू, किस तरह वैल्यू थी उसको सबसे ऊपर लिखा जाता है 1 × 10⁸ इंटू जो नीचे वैल्यू रहती है वो दोनों ऊपर पहुंच जाएंगे 2 × एल के इंटू में जो वैल्यू है वो सब कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, कितना आ जाएगा 14 × 80, 14 × 18 इंटू 18। अब इसको अगर कैलकुलेट करते हैं अपन, तो हमारी जो एल की वैल्यू आएगी वो समथिंग आ गई 4464, एल इज इक्वल टू हो जाएगा 4, 4। अगर वॉल्यूम में कोई अगर कोई प्रॉब्लम आती है या वैल्यू आपको ऐसा लगता है रॉन्ग है तो आप कैलकुलेशन करना है करके खुद देखें, क्योंकि मैंने प्रोसीजर बताई किस तरह से। तो इस एल की वैल्यू में और जो एल की वैल्यू यहाँ पर 2000 आई हुई थी, इन दोनों में कंपेयर करते हैं, जो वैल्यू ज्यादा होती है उसको एल की वैल्यू कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर ए वैल्यू ज्यादा है तो हमारा आंसर होगा एल इज इक्वल टू इतना होगा, टी इज इक्वल टू ऑलरेडी दिया, डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये हमें डिजाइन करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब मैं इसके ऊपर एक और न्यूमेरिकल लेके आऊंगा, उसको भी थोड़ा डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल होगा, इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा वो है साफ्ट का। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, फ्रेंड्स को भी बताएं, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें जिससे कि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।